आज हम जानेंगे बुकमार्क क्या है और किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज को कैसे बुकमार्क करते हैं। देखिए, बुकमार्क को दो भागों में तोड़ा जाए तो पहला आएगा बुक और दूसरा मार्क, जिसका मतलब है बुक यानी किताब और मार्क यानी निशान या चिन्ह। जैसे हम किसी भी निशान या किसी चिन्ह को अपने किताब में बनाते हैं तो उस किताब में वह सेव हो जाती है, वैसे ही कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज को सेव करने के प्रयोग में आता है ये बुकमार्क। लेकिन इसे सेव करने से क्या फ़ायदा? देखिए, इंटरनेट पर आपको इतने सारे वेबसाइट या इतने सारे वेब पेज है जिसे आपको याद करने में बहुत समय लग जाएगी, और आप कुछ वेबसाइट के वेब पेज को याद कर भी लेते हैं तो क्या पता आप उसे कब भूल जाएं। और आप किसी ब्राउजर के सहारे अगर कोई वेब पेज तक पहुंच भी गए तो उसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगी। तो आप किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को बुकमार्क में आप जब तक चाहे सेव रख सकते हैं, जिससे आपकी समय की बर्बादी कम से कम हो। तो चलिए हम कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। वैसे तो ब्राउजर इंटरनेट पर बहुत सारे हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, ओपेरा और फायरफॉक्स। लेकिन हम इस वीडियो में दो ब्राउजर के बारे में सीखेंगे या जानेंगे, पहला क्रोम और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे कुछ भी सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके, नहीं तो आप इसे यहाँ पर भी क्लिक करके, यहाँ पे जो इमेज सा बना हुआ है यहाँ पे भी क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे आपको सब्सक्राइब कर लेने चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक ट्यूटोरियल डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आप बिना समय गवाए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियो की जानकारी लगातार लेते रहिए। पहले आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए जो कि गूगल ब्राउज़र है। देखिए, यहाँ पे हम गूगल ब्राउज़र में अभी एंटर हैं, तो हमें एक पेज को बुकमार्क करनी है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको किसी वेबसाइट पे जानी होगी, जैसे मैं अभी चाहता हूँ दैनिक जागरण की वेबसाइट पे। तो हमें इस वेबसाइट को बुकमार्क करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे स्टार सा आइकन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेम है तो आप नेम चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन, तो डन पे आपको क्लिक करनी है। तो ये वेबसाइट बुकमार्क हो गई। तो अगली बार हमको इस वेबसाइट पे जानी होगी तो कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको, देखिए मैं गूगल में एंटर हूँ, उसके लिए हमें ऊपर यहाँ पे राइट कॉर्नर में तीन पटिया दिख रही है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद हम माउस का कर्सर को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे, तो यहाँ पे बुकमार्क्स, तो बुकमार्क्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जागरण ई पेपर न्यूज़पेपर यहाँ पे आ गई, तो इससे ओपन कर लीजिए। तो देखिए मैं अभी दैनिक जागरण के वेबसाइट पे अभी हूँ। तो इस तरह से आप इसे बुकमार्क कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात और जो आपको बताने लायक है, इस तरह से मैं एक वेबसाइट या फिर एक वेब पेज को बुकमार्क तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करके उस वेबसाइट को उस फोल्डर में डालना, तो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मैं अभी फेसबुक के वेबसाइट पे हूँ, तो इसे हमें एक फोल्डर में डालनी है या फिर फोल्डर में बुकमार्क करनी है।
तो उसके लिए फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे स्टार सा दिख रहा है, यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो नेम आप जो चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं यही रहने देने वाला हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे फोल्डर, फोल्डर पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे चूज अनदर फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेम, तो नेम आप चूज कर सकते हैं जो चाहे, यहाँ पे यूआरएल, तो यूआरएल तो यही रहने वाला है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे फोल्डर या फिर न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर पे आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे है रीनेम, में रीनेम में आप जिस नाम से इसका रीनेम देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सोशल नेटवर्किंग एंड देन सेव। तो ये तो सेव हो गई, तो अगली बार इसे ओपन करनी होगी तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए फिर ऊपर जाना होगा राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे है तीन पट्टियाँ, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, उसके बाद माउस को स्क्रॉल करनी है। तो नीचे बुक मार्क्स में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक फोल्डर क्रिएट हो गई, जो कि सोशल नेटवर्किंग नाम से हमने फोल्डर क्रिएट करी थी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फेसबुक, तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करें और उस वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। तो अब देखते हैं हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम सब आएंगे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में थोड़ी सी इसका तरीका अलग है। वहाँ पे तो हम बुकमार्क नाम देते हैं, बट यहाँ पे इसका नाम फेवरेट्स है। तो हमें हम अभी गूगल ट्रांसलेट के वेब पेज पे या फिर वेबसाइट पे हैं, तो इसको हमें बुकमार्क करनी है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर ऊपर में स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे गूगल क्रोम में राइट कॉर्नर में था, बट यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे फेवरेट्स पे आपको क्लिक करनी है। तो आप नीचे माउस का स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड अ फेवरेट, तो यहाँ पे नेम, तो नेम तो गूगल ट्रांसलेट में रखने वाला हूँ। नीचे आएंगे तो यहाँ पे है ऐड, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करके उस फोल्डर का नाम देकर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे फेवरेट्स में ऐड करने वाला हूँ, तो इसे ऐड करता हूँ, तो ये ऐड हो गई। तो अगली बार इसे ओपन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं फेवरेट में फिर से जाऊँगा। तो नीचे देखिए, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ये सेव हो गई, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपली इसे ओपन कर सकते हैं। ये तो था थोड़ा सा लंबा तरीका, एक और तरीका है जो बिल्कुल ही आसान है। तो उस तरीका से इसे बुकमार्क कैसे करेंगे, या फिर बुकमार्क करने के बाद उस वेब पेज को हम कैसे ओपन करेंगे, तो तरीका ये हम समझ लेते हैं। उसके लिए हम सिंपली गूगल क्रोम ओपन करेंगे, तो गूगल क्रोम में हम अभी लिंक्डइन के वेबसाइट पे अभी हैं, तो इसे हमें बुकमार्क करनी है, वो भी आसान तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली आप टाइप करेंगे कंट्रोल एंड डी, एक साथ आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नाम चूज कर सकते हैं, नेम चूज कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे हमें सोशल नेटवर्किंग में डन करनी है, तो मैं इसे सोशल नेटवर्किंग रहने देने वाला हूँ, क्योंकि लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो इसे हम सिंपली डन करते हैं, तो अगली बार इसे ओपन करनी होगी तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर ऊपर राइट कॉर्नर में तीन पट्टियाँ दिख रही है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करनी है एंड देन बुकमार्क्स एंड देन सोशल नेटवर्किंग एंड यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिंक्डइन का वेब पेज सेव हो गई, बुकमार्क में लिंक्डइन का वेब पेज सेव हो गई। आप चाहे तो इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो हमने जान लिया
किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी वेब पेज को कैसे बुकमार्क करते हैं? देखिए, बहुत ही आसान है। आप इससे यूज करके आप अपने नेट को बहुत ही आसान बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी वेबसाइट को हम भूल जाते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।